लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जनता का मूड है उसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर पहुंची। टीम ने जनता के व्यापारियों, युवाओं और किसानों से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर राय ली है। लोगों की पहली पसंद बीजेपी ही नजर आ रही है। मौजूद है बुलंदशहर के बूथ चौराहे पे और आज हमारी टीम नेटवर्क 10 की टीम निकली है जनता का मूड जानने और जनता से बातचीत करेगी। जनता का मूड क्या है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ। तो जनता का मूड क्या है चाचा? जनता का मूड बदला हुआ है आपका। किधर देख रही है? हाँ? जनता बिखर रही है चौकीदारों को, कुछ उसमें रखती है और कुछ वोट भी ज्यादा है इनके। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई भी दे रहे हैं वोट, और मुस्लिम भाइयों के तो खैर वोट बिखरी हुई है। वैसे वोट सरकार इन्हीं की बनेगी। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है, किधर देख रही है जनता? जनता का मूड जहाँ तक मैं यंगस्टर की बात करता हूँ तो उनका जो जो मन है, क्योंकि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि जो बच्चे 8 साल के थे 2014 में और वो अब 10 साल और 18 हो गए, तो उन्होंने मोदी जी का शासन देखा है। तो मोदी जी का देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इनको तो और कुछ लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो जो यंगस्टर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आज की यंग की बात कर रहा हूँ मैं। इसी पसंद पे ही वोटिंग हो रही है या फिर कुछ कार्य भी? क्योंकि नहीं, मैं मेरे मेरे मेरा बेटा है अभी 18 साल उसने क्रॉस किया है, वो तो कहता है जी मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए। क्या लग रहा है 2024 में? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का तो अच्छा खासा लग रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है तो जनता किधर देख रही है? मोदी की तरफ। ऐसे क्या क्या काम करें जो मोदी की जय जयकार हो रही है चारों तरफ? बढ़िया काम हो रहे हैं। जैसे कि एक दो काम गिनवाइए। मकान बन रहे हैं लोगों के, राशन मिल रहा है फ्री, और भी काफी काम है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो जनता का मूड क्या है, किधर देख रही है जनता? जहाँ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा उधर देखेंगे हम तो। महिला का भी लगातार 33% सरकार ने दिया हुआ है, महिला की भी इतनी वोटिंग है कि वो हार और जीत का निर्णय ले सकती है, तो क्या लग रहा है आपको? भैया हम तो उधर ही जाएंगे जिधर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। सभा का चुनाव भी आने वाला है तो जनता का मूड किधर है? जनता का मूड तो इसी बात से साबित हो जाता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी जी ने जो जन भावनाओं को परखा और देखा, और किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, मजलूम वर्ग के वो मसीहा के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया तो आप समझ लीजिएगा कि सब स्वैप हो जाएगा मामला, कोई कैंडिडेट सामने रुकने वाला नहीं है। ये उन्होंने जो ये निर्णय लिया है अपने नौजवान बच्चों को किसानों के हित में जो कार्य हैं उनको देखते हुए ये निर्णय किया है। जनता जो है वो अधिकतर मोदी के चेहरे पे वोट देती है या फिर लगातार 2 बार जो सांसद रहे हैं, तीसरी बार भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है डॉक्टर भोला सिंह को, तो किधर देख रही है? देखिए जनता मोदी जी को देखती है, सांसद के टिकट का देना या ना देना ये पार्टी का विश्वास है। उन्होंने माननीय भोला जी के ऊपर विश्वास किया, भोला जी को टिकट दिया, वो भोला जी की जगह किसी और को टिकट दे देती तो लोग उसी प्रकार से मत करते। इस मत अधिकार में किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पार्टी के प्रति जनभावना है। सबसे पहली बात तो जनता जो है अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही है, अब भाजपा सरकार को ही वोट देगी, मोदी जी को वोट देगी, और 2014 से मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री राशन फ्री मिल रहा है, जिनके ऊपर सर पर छत नहीं है उनको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है कि जिससे कोई भी बीमार हो उसे अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके। और हमारे इस देश के अंदर इस सरकार में, भाजपा सरकार में, मोदी जी सरकार में, योगी जी सरकार में पहले केवल किसानों को सम्मान मिलता था, इस सरकार में व्यापारी को भी सम्मान मिल रहा है। आप देखिए 2017 से
हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। पहले 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी। आप देखिए सुरक्षा के नाम पे, व्यापारी की सुरक्षा के नाम पे देखिए, आज व्यापारी खुलकर व्यापार कर पा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर से भी उद्योगपति व्यापारी आके व्यापार कर रहे हैं। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश से अगर हम भी व्यापारी हैं, अगर हम बाहर व्यापार करने के लिए अगर जाते थे और हम कहते थे हम उत्तर प्रदेश से आए हमें उधार दे दो, तो उत्तर प्रदेश के नाम से उधार नहीं मिलता था। इतनी गुंडागर्दी और इतने यूपी को बदनाम किया हुआ था। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा महसूस कर रहा है। आज किसी भी व्यापारी का अपहरण नहीं हो सकता। और व्यापारी भी जाता है ना आज अधिकारी के पास, सुनते हैं, इज्जत देते हैं, पानी पिलाते हैं, और उनकी जो भी कोई बात होती है उसका निस्तारण करने के लिए जाता है। और आज दरबार लगे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ कोतवाली में जाके निस्तारण करते हैं। आज हमारे जनपद बुलंदस सात तहसील हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं SSP साहब और DM साहब कहीं ना कहीं जन सुनवाई करते हैं। ये योगी की सरकार है भाई साहब।